बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च को होने वाले अहम केसेस की समाअत का अहवाल तो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सोशल मीडिया पे एक कोहराम बरपा है, और वो है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब के बेटे की शादी, और उसको अटैच किया जा रहा है डैम फंड के साथ। और तीसरा, जो 2 रोज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाकर लाहौर बैठे और लाहौर जाकर उन्होंने केसेस सुने, इन पे पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो बात यह है कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी उनका डैम फंड से कोई ताल्लुक नहीं था। डैम फंड के लिए बिल्कुल अलग एक सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, और उसके अलावा वो मामला सारे का सारा पाकिस्तान के बैंकों के पास है, उसका सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब यह केस सुप्रीम कोर्ट, ये 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुन रहा है, जिसमें जिसकी को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, और गुलजार साहब के साथ उमर रजा बंदियाल साहब हैं, फैसल अरब साहब हैं, एजाजुल अहसन साहब हैं, और मुनीब अख्तर साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज हैं इस बेंच में। मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि इसका डैम फंड से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस वक्त जो इस वक्त जजेस सुन रहे हैं उनका भी डैम के फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि डैम फंड में खुदगुर्द ना हो, करप्शन ना हो, लूटमार ना हो, और डैम की तामीर का मामला जो है वो जो टाइमलाइन दी गई है उसके मुताबिक चलता रहे। इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने लेने के लिए कॉल की बैरिस्टर सादिक झूल साहब को, जो कि वापडा की जानिब से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को आके असिस्ट भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी उनके साथ बैरिस्टर सादिक झूल साहब के साथ, वरना मैं उनसे मजीद लेटेस्ट डेवलपमेंट पूछ के आपको बता देता। और मैं इस पर भी आपको भी आऊँगा कि इसकी वजह क्या है कि फिर साकिब निसार साहब के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है इस सारे मामले को। और जैसे मैंने कहा कि हर समात के ऊपर एक तो सुप्रीम कोर्ट को टाइमलाइन बताई जाती है, टाइमलाइन बल्कि बता दी गई है, मुजम्मिल साहब जो हैं चेयरमैन बापड़ा उनकी जानिब से, बैरिस्टर साद रसूल साहब जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से, कि कब क्या होगा, कैसे होगा, मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाता है, तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है कि क्या काम कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा। क्योंकि एक बात जहन में रखें, बिलावल साहब ने उस दिन तनकीद की डैम के ऊपर, बहुत लोग पाकिस्तान में डैम की तामीर में सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर सवाल उठाते हैं। ये देखें, मैं आपको पता है, आप जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं कभी किसी के हुब्बुल वतनी पे उस तरह से सवाल नहीं उठाता, लेकिन सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में 50 वर्षों में कोई बड़ा डैम नहीं बना, और पाकिस्तान में हर साल जो बारिशें होती हैं उसकी वजह से जो पानी होता है इजाफी, वो ना सिर्फ ज़ाया होता है बल्कि उसी इजाफी पानी से सैलाब आता है और वो हमारे लिए तबाही लाता है। बजाय इसके कि हम डैम बनाते, डैम में इस पानी को ज़खीरा करते, इस पानी को महफूज करते, इस पानी को इस्तेमाल करते, इससे बिजली पैदा करते, हमने डैम बनाने की बजाय हमने जो है वो और चीज़ों में लगी रही हमारी हुकूमतें, और कोई डैम बनाने के ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं थी। सैलाब आते हैं, पानी ज़ाया होता है, हमारी फसलें सराब नहीं हो पाती, हम तेज़ी से पानी कम हो रहा है, कोई इसके ऊपर काम नहीं किया गया। साकिब निसार साहब ने जब यास को नोटिस लिया और जब उनके सामने ये मामला आया, उन्होंने इसके ऊपर फिर कॉन्फ्रेंस भी कराई, उसमें भी ये बातें आईं कि पाकिस्तान को पानी के हवाले से सोचना चाहिए। उस वक्त इमरान खान साहब भी मुसलसल ये कह रहे थे कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में पानी के शदीद बहरान पैदा हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया था। और मैं आज आपको एक और बात भी बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी इतलात थी, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये चीज़ें आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डैम नहीं बन रहे, ये सिर्फ ये नहीं है कि गैर संजीदगी है या तोजो नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी तयशुदा मनसूबाबंदी है कि पाकिस्तान में डैम नहीं बनने चाहिए। और डैम जो भी बनाने लगता है तो राह में रुकावटें आ जाती हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं मामला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मुकम्मल नजर रखे हुए है। ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए है, मौजूदा पाकिस्तानियों के लिए है। जो भी पाकिस्तानी इस डैम फंड के खिलाफ जाते हैं वो उन लोगों की साजिश का, कई मैं ये नहीं कहता कि सब उसमें मिले हुए हैं, उस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं जो कि इस डैम के खिलाफ अभी भी चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं कि डैम फंड के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई जाएगी, डैम के खिलाफ इस डैम को बनना है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये डैम बने, इससे पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का फायदा होगा। मैं देख रहा था बहुत सारे, पहले तो मैं ये आपको बता दिया कि साकिब निसार साहब का डैम फंड से दूर दूर तक ना कोई ताल्लुक था ना कोई ताल्लुक है। अगर उनके जो शादी की तस्वीरें आई हैं, पहली बात तो यह कि इंतहाई गैर अखलाकी और सतही हरकत है कि आप किसी और की फैमिली की तस्वीरें और वीडियोस वायरल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास
कई पॉलिटिशियंस की फैमिली की तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जी, फलां अपने घर में मुजरा करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, हम तो वो चीज़ें भी नहीं करते कि ये उनके एक पर्सनल लाइफ है, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी आएगी कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है अपने दफ्तर में बैठ के कोई कर रहा है, जैसे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कर रहा था, या जिस तरह से चेयरमैन नैब की एक वो वीडियो आई थी अपने दफ्तर में बैठ के जो कोई कर रहे थे, ये काबिल एतराज़ है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हों या आप आवाम के टैक्स के पैसों के अमीन हो या आप सरकारी खजाने से फंड ले रहे हो और आप किसी दफ्तर में मौजूद हो और अपने दफ्तर को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये गैर अखलाकी तो वो भी है प्राइवेटली भी, लेकिन ये गैर कानूनी भी है और इसके कोई जवाब नहीं है। तो ये जो उनके एक फैमिली फंक्शन था उसकी जिस तरह से तस्वीरें और वीडियोज वायरल की जा रही हैं, जो वायरल करने वाले हैं वो खुद अपनी फैमिलीज को वहां सोच के देख लें कि अगर उनकी फैमिली की कोई इस तरह चीजें वायरल करता है तो क्या होगा। और डैम फंड के मैंने आपको बता दिया कोई तल्लुक नहीं है। तीसरा यह है कि साकिब निसार साहब पर एतराज ये होता है कि जी साकिब निसार जो है वो कहते थे मैं डैम के ऊपर पहरा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एक बात याद रखिए, ये हुकूमत का मंसूबा है, ये सरकारी मंसूबा है। अगर हुकूमत साकिब निसार साहब को कहेगी, कोई रोल देगी, चाहे वॉलंटियरली वो आए, चाहे वो बगैर तनख्वाह के आए, और वो ज़ाहिर बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, लेकिन हुकूमत जब तक उन्हें नहीं कहेगी वो नहीं आ सकते, ना उनको आना चाहिए, तो इससे उनका कोई तल्लुक नहीं है। मैं एक देख रहा था, एक मुतरमा ने ट्वीट किया हुआ था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो डैम फंड में 10 रुपए भी नहीं दिए थे। ये सतही लेवल है, ये हमारा लेवल है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों ने डैम फंड में कोई पैसा नहीं दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों का डैम फंड से कोई तल्लुक नहीं है, डैम बनने से कोई तल्लुक नहीं है। जब ये डैम बनेगा, आने वाली नस्लें साकिब निसार साहब को और उनके साथ जो जजेस थे, जो अब जजेस हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनको वो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देंगे। शायद अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है उसको कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन इस दुनिया में होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आने वाली नस्लें इन जजेस को सलूट भी करेंगी, सलाम भी पेश करेंगी, उनको दुआएं देंगी, उनकी आने वाली नस्लों को दुआएं देंगी कि जो डैम बनवा जाएंगे। वरना पाकिस्तान में डैम ना बनना ये सादा बात नहीं है, ये पूरी एक पीछे था मामला कि पाकिस्तान में डैम नहीं बनना चाहिए। पे कई बार ये अटैक हुए हैं, डैम फंड को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। मैं आप सुनने वालों से दरखास्त करता हूँ, हर माह एक अमाउंट, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना रख लेंगे, हमने डैम फंड में देना है, डैम फंड में दीजिए। हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे, सुप्रीम कोर्ट नजर रखे हुए है, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि डैम बनना चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये डैम जो है ये बनेगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, कोई तल्लुक नहीं है साकिब निसार साहब का डैम फंड से, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई तल्लुक नहीं है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये डैम फंड में खुर्द बुर्द ना हो, डैम फंड प्रॉपर डैम के ऊपर लगना चाहिए और डैम बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद है इस केस को रख के, और सुप्रीम कोर्ट का कोई मकसद नहीं है। कुछ एंकर्स भी कैसे बने हैं, एक तो हमारे कुछ बड़े एंकर्स के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, इमरान खान ना बुलाए तो इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, इमरान खान हमसे मिलता नहीं है। आर्मी चीफ के बेटे की शादी थी, उन्होंने जिन एंकर्स को नहीं बुलाया उन्होंने वो रगड़ा लगाया आर्मी चीफ का कि उन्होंने अपने हमें अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया। अब साकिब निसार साहब के बेटे की शादी हुई है कि साकिब निसार ने हमें बुलाया नहीं है, तो ये बड़ा शिकवा है। मतलब यार हमारा किसी से तल्लुक ये नहीं होना चाहिए कि वो हमें बुलाता नहीं है। अगर वो बंदा ठीक काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा तो आप उसको क्रिटिसाइज करें। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, आज दोबारा मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उनके चैम्बर में एक बार भी मैं जाके नहीं मिला। चैम्बर में तो क्या चैम्बर, हाँ जब वो इकट्ठी एक तकरीब होती थी, प्रोग्राम होता था, कभी गेट टुगेदर होती थी जजेस की जिसमें वकला भी होते थे, मीडिया भी होता था, वहां पर मुलाकात होती थी, वरना मैं कभी जाके साकिब निसार साहब नहीं मिला था। उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कभी जाकर नहीं मिला, कोई तल्लुक नहीं है उनसे, लेकिन उनके जो अच्छे काम थे हमेशा मैं उनकी तारीफ करता हूँ और उनको मैंने उनकी अदालत से बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की आपके सामने है। तो ये सदका जारिया है, डैम फंड में पैसे देना आप देते रहें, और ऐसे जो कमज़र्फ और मैं तो उन्हें घटिया लोग कहूँगा जो कहते हैं कि हमने डैम फंड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं दिए, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे लोगों का डैम फंड से उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बाद एक और मामला, जो जजेस वहाँ पर जाके उन्होंने केस सुने, देखें जजेस रूटीन में भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, कराची भी जाते हैं, वहाँ पे बेंच भी बनता है, इसको वही साकिब निसार साहब से जोड़ के और कहा गया कि पता नहीं क्या से क्या हो गया और ये वो सारा कुछ। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर लाहौर उन्होंने जाना था, जाहिर उन्होंने जिन्होंने जाना था उन्होंने शिरकत करनी थी, वो छुट्टी भी कर सकते थे, अगर वो छुट्टी करते किसी कहीं पर जिक्र ही नहीं होना था कि उन्होंने छुट्टी की है। 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वहाँ बैठकर 128 केसेस निपटाए हैं, तो इसमें कौन सा गैर कानूनी काम हो गया भाई। वो वैसे भी जजेस को क्वेटा भी जाना चाहिए, जजेस को पिशावर भी जाना चाहिए, उनको कराची भी जाना चाहिए, उनको लाहौर भी बैठना चाहिए, उनको इस्लामाबाद भी बैठना चाहिए, ताकि हर जगह पे बेंचेस जाके बैठे, वहां पे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सुने, वहां पे लोगों को फायदा होता है, उनको यहाँ नहीं आना पड़ता, जजेस वही होते हैं। तो इसलिए ये भी कोई इतना नहीं था, इसको भी बहुत ज्यादा प्रोपिगेट किया गया। तो जज
यहाँ तक कि वैसे भी जाए जितना ट्रैवल करते हैं तो वो सारी उनकी ट्रैवलिंग जो है वो जाहिर है वो उनके जो मरात में जो चीज़ें शामिल हैं वो तो उनको मिलनी है। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने छुट्टी करने की बजाय वहाँ बैठ कर उन्होंने कैसे सुने। तो जजेस कभी हमने नहीं देखा खाम खामी को जज छुट्टी करे, कभी हमने नहीं देखा कि 9:30 का टाइम है तो जज 9:45 बजे आ रहे हो। वो कभी कोई साल में 2 या 3 बार होता है कि बेंच जो है वो 9:30 की बजाय 9:35 पे आए, साल में 2-3 बार होता है। ये उनका है, उनकी जजेस का आने की टाइमिंग और बैठना कैसे सुना, और ये भी सारा एक प्रोपेगेंडा था। खैर, तो आज जो इंपॉर्टेंट केसेस थे उनमें एक तो अरशद मलिक साहब का था जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या ये के, लेकिन वो एडजर्न हो गया है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है खुद इस केस में पेश होना चाहते हैं, तो 10 मार्च तक वो मुलतवी हो गया है। जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर वेलफेयर फंड जो है उसमें वर्कर वेलफेयर फंड में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तौर पर तफसीलात मांगी हैं कि कितनी फैक्ट्रीज हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूट वो करते हैं, कहाँ पे खर्च होता है, पंजाब ने जो 4 अरब से ज़्यादा खर्च किया वो कहाँ पे खर्च किया है, वो हकदारों तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकम्मल तफसीलात मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि पब्लिक ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है ये जिनका हक है उनके ऊपर लगना चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुसलसल इस केस को सुन रही है। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ये केस सुन रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल ने औरत मार्च की हमायत का ऐलान किया है। इसके बाद एक और केस था आज जो मजर आलम यकीन साहब के ना होने की वजह से नहीं सुना गया, वो है आर्टिकल 140 यानी बलदियाती निज़ाम जो लाया जाएगा, बलदियाती हुकूमतों को जो उनको इख्तियारात दिए जाएंगे, और जो जिस तरह से 18वीं तरमीम के बाद जो आप ऐसा समझें कि इख्तियारात जो हैं वो मरकज़ से सूबों को दिए गए, अब यह कि सूबे आगे बलदियाती निज़ाम ला कर उनको देंगे, इस हवाले से केस की समाअत थी लेकिन मजर आलम यकीन साहब के ना होने की वजह से ये नहीं हो सकी। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत का हवाला था। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अलकरीम हम सब का अमीन असलो, खुदा हाफिज़।